ग्रीस दोस्तों असल में यूरोप का एक ऐसा देश है जिसकी हिस्ट्री ने बड़ी ही ज़्यादा कमाल रही है, लेकिन प्रेजेंट समय में भी ना ये तरक्की में बेहद ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। स्पेशली इसकी खूबसूरती किसी का भी दिल चुरा सकती है। सेंटोरिनी के चलते हर साल दोस्तों बहुत सारे हनीमून कपल्स शादी के बाद ग्रीस को विजिट करना बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ ठंड की प्रॉब्लम बेहद ज़्यादा होती है, तो वहीं ग्रीस में मौसम भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुहावना और काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ना ऐसे कई पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ना हमारा इंडिया ग्रीस के मुकाबले कई गुना तक बेटर कंट्री साबित हो जाता है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं कारणों को जिससे पता चलेगा इंडिया आज भी आखिर क्यों ग्रीस से ज़्यादा अच्छी कंट्री है ज़िंदगी जीने के लिए। वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर एक पर दोस्तों नाम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ग्रीस का बड़ा ज़्यादा दोस्तों कमाल है। साफ पानी आपको पीने को मिल जाएगा, लेकिन मेनली अगर फोकस रोड्स पर किया जाए, रेलवे नेटवर्क पर किया जाए, तो ग्रीस पूरा फीका पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा अपने दोस्तों इंडिया के सामने। इंडिया में आपको वाइट रोड्स आज के दिन देखने को मिलेंगे। एक्सप्रेस हाईवेज की भी अब इंडिया में ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिलती, लेकिन ग्रीस में ना दोस्तों इकॉनमी की स्टेबिलिटी काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते सरकार काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में आपको रूट्स बनाती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इकॉनमी पावर पर यहाँ पैसे की कमी तो ज़रूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों ग्रीस फीका पड़ता हुआ नज़र आएगा। रोड्स की क्वालिटी में पोर्ट होल्स आपको यहाँ के बड़े बड़े रोड्स में भी देखने को मिल जाएंगे। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के मामले में आज के दिन अपना इंडिया बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश है, और इस मामले में आपको ग्रीस इंडिया के सामने पूरे तरीके से फीका पड़ता हुआ नज़र आएगा। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार आज के दिन दोस्तों इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3 ट्रिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुके, और इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 6 पर। लेकिन जल्द ही रिपोर्ट्स का यह दावा है कि इंडिया एक बार फिर से यूके को पछाड़ने वाला है, और इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर हो जाएगी नंबर 5 की। वहीं बात अगर ग्रीस देश की नॉमिनल जीडीपी की करें, तो इस देश की आज के दिन दोस्तों नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 209 बिलियन US डॉलर के आसपास है। इस तरीके से दोस्तों ग्रीस पूरी दुनिया में 53वें नंबर पर आता है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वो इंडिया से नीचे है, लेकिन इसकी रैंकिंग तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही आपको नीचे लेवल की देखने को मिलने वाली है। अगले अगर दोस्तों हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है मिलिट्री के बारे में, यानी कौन सा देश मिलिट्री पर ज़्यादा पैसे खर्चता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। इसके लिए हमें इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया हर साल 72.9 बिलियन US डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ मिलिट्री के रिलेटेड कामों के ऊपर, और इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है दोस्तों नंबर 3 पर। और हर साल दोस्तों इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का 2.9% हिस्सा सिर्फ मिलिट्री के रिलेटेड कामों पर खर्च कर देता है। डिफेंस बजट में भी दोस्तों इंडिया की रैंकिंग नंबर 3 की है। तकरीबन 64.1 बिलियन US डॉलर का इंडिया खर्चा करता है मिलिट्री के कामों पर। लेकिन दोनों ही इंडेक्सेस में दोस्तों ग्रीस आपको टॉप 15 कंट्रीज़ में नज़र नहीं आएगा, यानी ग्रीस दोस्तों दोनों ही जगह पर 5 बिलियन US डॉलर से भी कम का खर्चा करता हुआ आपको नज़र आने वाला है मिलिट्री के कामों के ऊपर। मिलिट्री के मामले में इस देश का रुतबा कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही खास बिल्कुल नहीं है अपने इंडिया की तरह। बात अगर मिलिट्री पावर इंडेक्स की करें, जिससे हमें पता चलेगा कि इस देश की मिलिट्री ज़्यादा दम रखती है, तो यहाँ भी दोस्तों इंडिया का जलवा हमें देखने को मिलने वाला है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की दोस्तों मिलिट्री का स्कोर है 0.1207, और इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 4 पर। तो वहीं आगे बढ़ते हुए अगर हम ग्रीस देश की दोस्तों मिलिट्री की रैंकिंग की बात करें और स्कोर की बात करें, तो इस देश की दोस्तों मिलिट्री का स्कोर है 0.4954, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 29वें नंबर की कंट्री बन जाती है। सही में दोस्तों मिलिट्री के पावर के मामले में ग्रीस काफ़ी ज़्यादा आपको कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आएगा हमारे इंडिया के सामने। रुतबा काफ़ी बड़ा है अपने इंडिया का मिलिट्री के मामले में। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया दुनिया का अव्वल दर्जे का देश है। हर चीज़ में दोस्तों यहाँ डाइवर्सिटी है, फिर चाहे बात कल्चर में करें, फूड में करें, क्लोथिंग में करें, या फिर खूबसूरती में ही क्यों ना कर लें, कुदरत ने भी ना हमारे देश को बिल्कुल डाइवर्स बनाया है। डेजर्ट इस देश में देखने को मिलेंगे, बीचेस कमाल के गोवा में देखने को मिल जाएंगे, कमाल के ऊंचे माउंटेंस हिमाचल में देखने को मिल जाएंगे, और
ग्रीनरी की बात करें तो वो भी आपको केरला में टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाएगी। कल्चर दोस्तों हर स्टेट का अपना अलग लेवल का आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इतनी ज़रा डाइवर्स लेवल की कंट्री दोस्तों आज के दिन दुनिया में कोई भी नहीं, और इस मामले में ग्रीस अपने इंडिया के सामने टिक पाए चांसेस के भी हद ही ज़्यादा कम हैं। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों आज के दिन दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है कोविड के चलते, लेकिन ताज़ा स्कोर को दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 6.95%, जिसका मतलब है हर 100 लोगों के पीछे इंडिया में आपको सिर्फ 7 लोग बेरोज़गार देखने को मिलने वाले हैं। ये दोस्तों लेटेस्ट डेटा है बहुत ही जो आज के दिन आपको ताज़ा देखने को मिला है जुलाई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ये आखिरी रिपोर्ट अभी तक की लेटेस्टली निकली है दोस्तों इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग को लेकर। वहीं ग्रीस में दोस्तों आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग 16.85% तक देखने को मिल जाएगी, यानी हर 100 लोगों के पीछे तकरीबन 17 लोग ग्रीस में आपको बेरोजगारी का सामना करते हुए नज़र आ जाएंगे। यूरोप के और किसी भी देश के मुकाबले आपको सबसे ज़्यादा आज के दिन दोस्तों बेरोजगार लोग ग्रीस और स्पेन में ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। और ग्रीस इस मामले में दोस्तों इंडिया के सामने भी आपको टिकता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ जॉब्स की समस्या इंडिया के मुकाबले भी ज़्यादा गहरी हो चुकी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये समस्या यहाँ सिर्फ कोविड के चलते हुए। 2016 के बाद से ही दोस्तों यहाँ जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हुई, जिसके चलते इकॉनमी भी यहाँ स्टेबल नहीं चल रही, और यूरोप के इस देश की हालत बाकी की ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले थोड़ी तो कमज़ोर ज़रूर देखने को मिली है पिछले 5 से 6 सालों में। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट आता है वो है लैंग्वेज बैरियर को लेकर। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, आप जानते हैं, लेकिन ग्रीस में अच्छी बात ये है कि काफ़ी बड़ी आबादी को इंग्लिश ज़रूर आती है। हालांकि फिर भी आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी देखने को मिल जाएगी जो सिर्फ ग्रीक भाषा में ही आपसे बात करते हुए नज़र आ जाएंगे। इसलिए अगर आपको ग्रीस में सभी के साथ कम्युनिकेट करना है तो ग्रीक भाषा आपको हर हाल में दोस्तों आनी चाहिए। इंडिया में तो दोस्तों लगभग सभी को इंग्लिश आती है, जिसके चलते किसी को अगर कोई बाहर से भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंग्लिश बोलने के मामले में इंडियंस बहुत ही ज़्यादा आगे हैं ग्रीस के लोगों के मुकाबले। आज के दिन दोस्तों इंडिया पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की कंट्री है इंग्लिश बोलने के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सही में इन मामलों के चलते आज के दिन इंडिया ग्रीस से ज़्यादा बेटर कंट्री साबित हो जाता है ज़िंदगी जीने के लिए? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।